नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़ और मैं हूं अमित दत्ता। आज हम पहुंचे हैं बुंडू प्रखंड क्षेत्र के पीपीके कॉलेज बुंडू। अभी छात्र संघ चुनाव जोरों पर है और उसी का यहां का माहौल जानने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं और यहां के जो विद्यार्थी है जो यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएँ आप देखते हैं और क्या क्या समस्याएँ यहाँ पर है मौजूद जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस कॉलेज को चाहिए और इसका डेवलपमेंट का कार्य सही तरीके से हो सके। सीधे जुड़ते हैं उन छात्रों से और सीधे बात करते हैं। तो हम सीधे अभी जो छात्र चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक और कुछ कैंडिडेट भी हैं जो वर्तमान समय में रह चुके हैं, हम उन लोगों से भी सीधी तरीके से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ये चीज़ बताया कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? चुनाव एक छात्र के हित के बारे है और छात्र की सारी जो व्यवस्था है उसकी जो परेशानी है इस पर आधारित और जो भी मजबूरी है, और जैसे बहुत से ऐसे हैं जो जैसे पढ़ाई के थ्रू से या तो पढ़ाई से विचार से चाहे जैसे भी हो अपनी जो एक टारगेट रखते हैं, अपनी जो एक इच्छा रखते हैं उसको सही दर्शाने के लिए शिक्षा को एक अच्छा हो ये उद्देश्य तो मानना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक हमारा ऐसा उद्देश्य है जिसके कारण हम लोग आगे तक कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं है, जीरो हैं। कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम कहना चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सब कुछ पढ़ाई में आगे हो जाए और सब। तो इस बार आप चुनाव में वोट करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं, क्या मुद्दा आप सोचे हुए हैं कि कॉलेज का हित के लिए किस प्रोपोगेंडा के साथ आप जाने वाले हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा और आप वोट करेंगे? आदिवासी महिलाओं का छात्रावास खुलना चाहिए और जितने भी यहाँ काम पूरा नहीं कर पाए हैं उन सबों को आगे करने के लिए। कौन कौन सी मुद्दाएं देखते हैं जिस पर इस बार के जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं? यस सर, मतलब कि और एक कौन कौन सी मुद्दाएं यहाँ पर देखते हैं जिस पे आपको वोट देना? ओ मतलब यहाँ पे जैसे वोट देने के लिए हम लोग मांगे जो उम्मीदवार मतलब ये लोग हैं उन लोग से हम लोग जैसे यहाँ की क्षेत्र के मतलब अच्छा से पढ़ाई लिखाई कराएंगे, सब चीज़ व्यवस्था कराएंगे हर चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ बिल्डिंग्स बननी चाहिए अच्छा से, सबके लिए अच्छा रूम होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के और सबको ये सब बातें बताकर हम लोग भी इसमें उम्मीदवार के रूप में खड़ा हैं। हमारे साथ पूर्ववर्ती जो छात्र रह चुके हैं यहाँ पर और अभी भी वर्तमान स्थिति में बने हुए हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, कितना विकास का कार्य यहाँ पर? मैं सबसे पहले तो मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं यहाँ से पूर्व सचिव भी रहा, मेरा कार्यकाल 1 साल का था जिसमें से 6 महीना तक मैं कार्यकाल में रहा, उसके बाद मेरा पावर स्विच किया गया मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया। तो हमने जितना भी किया उसमें से पूरा करने का ख्वाहिश तो था लेकिन पूरा अधूरा रह गया। कारण यही है कि मेरा जो कार्यकाल था वह आधा अधूरा में ही रह गया। उनमें से हमने सोचा था कि यहाँ पे गार्ड का व्यवस्था कर दें तो गार्ड का भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पाया, पानी का व्यवस्था जो पानी का व्यवस्था हो गया, और यहाँ पे छात्र एवं छात्राओं का ड्रेस कोड लागू कराना था, लागू तो हो गया लेकिन अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया किसी कारण बस, जिससे हमको समय बहुत कम ही मिला। ये फ़ायदा ये हुई कि जो कि व्यवस्था नहीं थी ये में क्लासरूम था जो कि वहाँ क्लास नहीं चल रहा था, अभी इन लोग के चुनाव जीतने के बाद जो कि टीचर को बोलने लगे कि ये क्लास करवाइए, दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं वे करवाए, और ये पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पानी की व्यवस्था दिलवाए, ये बाथरूम गंदा रहती थी, बाथरूम के चलते बार बार एक बार नहीं हमको लगता है जहाँ कि 5 से 10 बार तक दे चुके और सर नहीं कर रहे थे यही, और ड्रेस कोड की लागू करवाए जो कि ड्रेस कोड भी पूरा नहीं हुआ है, जो कि इन लोग अगर जीतेगा तो जो जो काम अधूरा है सब करेंगे।
कौन कौन से इस बार कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं? इस बार मैं भी खड़ा हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयपाल महतो और मैं अध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ हूँ और क्या बोलेंगे, क्या क्या प्राथमिकता इस बार आप देखते हैं कि इस बार अध्यक्ष पद में आप खड़े हैं, क्या क्या मेन मोटो होगा इस बार चुनाव लड़ने का? मेरा सबसे मेन मुद्दा तो होगा कि इस कॉलेज में विद्यार्थी तो बहुत हैं लेकिन क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते सही से पढ़ाई नहीं होती है। स्टूडेंट भी नहीं आते हैं, स्टूडेंट आएंगे भी फिर भी लेकिन कहाँ बैठेंगे, आते हैं रूम नहीं रहता है जिसके वजह से मतलब स्टूडेंट बाहर में सर को बोलते हैं कि चलिए सर क्लास लीजिए, तो अपना मतलब जितना यहाँ जितना मतलब डिग्री का यहाँ पढ़ा जितना सब्जेक्ट का जितना जितना सब्जेक्ट हो जो जिस जिस ऑनर्स का यहाँ पढ़ाई होता है उतना मतलब रूम नहीं है। जैसे से क्लास रूम मतलब क्लास अच्छा से नहीं है, क्लास अच्छा से नहीं हो पाता है, टीचर भी थोड़ा कम है, टीचर के भी परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे मूल जो यहाँ पर समस्या देखी जा रही है और वो समस्या है यहाँ के प्रोफेसर का, यहाँ के लेक्चरर का, जो कि उनकी उपलब्धता यहाँ पर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आए दिनों दूर दूर दराज से जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको यहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन नहीं मिलता है, ना शिक्षक मिलते हैं ना प्रोफेसर मिलते हैं, वो अपना कॉपी लेकर आते हैं और कॉपी खाली करके ही चले जाते हैं। आप लोग जिस पार्टी से खड़े हुए हैं कितनी प्रोपेगंडा इस बार रखते हैं, क्योंकि पिछले बार भी आप लोग की पार्टी इस बार चुनाव जीती थी और अभी तक वो समस्या बनी हुई है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए समस्या होती है और मानते भी हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, इसको पूरा एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जो आने वाले समय में बढ़िया हो। और हम सोचे हैं और हम लोग सभी आदिवासी छात्र संघ के सभी लड़के जो हैं अभी हैं और हम लोग बहुत सारा अर्जित दिए हुए हैं, यहाँ तक कि देखिए बिल्डिंग की जो व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी हम लोग भवन निर्माण का दिए हैं, जल की व्यवस्था नहीं थी लेकिन उसका भी अभी चल रही है, क्लासेस नहीं हो पाती थी क्योंकि पानी रिश्ता था लेकिन धीरे धीरे वो भी चलने लगी है। और ड्रेस अभी देखिए इंटर में क्या है कि एक ड्रेस लगा हुआ है जिसमें ड्रेस के साथ आती है, ड्रेसिंग के लिए अलग है, तो वो एक मेच्योर दिखता है। और धीरे धीरे हम सोचे हैं, हम लोग सोचे हैं सभी हम लोग छात्रवास आदिवासी छात्र संघ के सभी लड़के और हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बार भी हमें वोट कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आदिवासी कॉलेज छात्रावास का मैं चुनाव प्रभारी हूँ, मेरा नाम है संजीव सिंह मुंडा, और मैं आपको इस बार भी विश्वास दिलाता हूँ, इस बार भी हमको हम लोग के इस 5 उम्मीदवार हैं, एक हैं अध्यक्ष में अमित मुंडा, उपाध्यक्ष में सुरेंद्र लोहरा, सचिव में बुधराम मुंडा, संयुक्त सचिव में अंजना मुंडा कुमारी और उप सचिव में शिवानी कुमारी। ये हमारे 5 कैंडिडेट हैं और मुझे आशा है इस बार भी हमें आप भारी से भारी मतों में विजयी बनाएंगे वोट देकर। और मैं आपसे इतना ही अपील करता हूँ कि जो भी समस्या है कुछ भी बात होती है आप सीधे एक बार कंप्लेंट कीजिए, अगर नहीं होती है तो अलग बात है, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी आप अगर बोलते हैं, कुछ कंप्लेंट करते हैं तो ऑब्वियसली ये बढ़िया होगा और हम लोग उस पर तत्परता से काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ।